गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बारहवीं वाले बच्चे। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो लेसन चल रहा है, इस लेसन के भीतर जैसे कि भक्तिन जो है लक्ष्मी अपना परिचय करवाती है माँ देवी वर्मा के घर में। माँ देवी वर्मा किसी काम में व्यस्त होते हैं तो उनके घर में आए हुए विद्यार्थियों को भी वो माँ देवी वर्मा का काम करने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, भक्तिन जो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई काम करके, छोटा मोटा काम करके अपनी कर्मठता का परिचय करवाती है। माँ देवी वर्मा किसी काम में उलझ जाते हैं, दिन रात भर वो जागते रहते हैं, उनके पाले हुए जानवर भी यहां तक के सो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे भक्तिन जो होती है वो महादेवी वर्मा के साथ पूरी पूरी रात जागती रहती है और कुछ ना कुछ उनकी सहायता, छोटी मोटी सहायता करके यहां पे उनका सहयोग देती है। और लाख बार बुलाने, भोजन के लिए बुलाने पर भी जब महादेवी वर्मा नहीं आते हैं तो उस समय वो कुछ ना कुछ उनको जैसे कि दही का शरबत, तुलसी की चाय देकर उनकी भूख को वो शांत कर देती है। करीबन बच्चों, ये थोड़ा सा आगे वाले वीडियो में हमने देखा था, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ तक हमने देखा था कि कागज़ एक और सरका देती है तो वो दूसरी फाइल टटोलती है, यहाँ तक हमने आगे वाले वीडियो में देखा था। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे ही पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल हो रहती है, बसंत नित्य क्रम के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चिचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मैंने भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों, इस परिच्छेद में ये बताया गया है कि ये जो भक्तिन है, ये भक्तिन चाहे इतनी देर क्यों ना हो जाए रात को, माँ देवी वर्मा के साथ जागते जागते बहुत देर भी हो जाए तो माँ देवी वर्मा भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन माँ देवी वर्मा के उठने से पहले भक्तिन उठ जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे माँ देवी वर्मा के घर में जो उन्होंने पाले हुए जैसे कि सोना यानी कि वो हिरनी होती है, वो भागदौड़ करने, नाचने कूदने लगती है। बसंत यानी यहाँ पे हमने देखा ना कि भाई बसंत जो होता है वो भी यहाँ पे उनका कुत्ता जो है वो भी सुबह यहाँ पे अपनी दैनिक क्रिया के लिए बाहर भागने के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। और गोधूली यानी यहाँ पे जो उनकी बिल्ली है, ये बिल्ली भी जैसे सुबह होते ही वो चिड़िया चहचहाने लगती है तो आंगन में आती है तो उसको जैसे कि अपना शिकार बनाने के लिए यहाँ तक दौड़ने भागने लगती है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। उसके बाद वाली जो पैराग्राफ है उसकी जो चार पंक्ति हमने पढ़ी उसमें बताया गया है कि भक्तिन जो होती है वो हमेशा, वो जैसे कि हम कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सब साथ में जाते हैं, आगे पीछे चलते, बिल्कुल उसी प्रकार से भक्तिन भी महादेवी वर्मा के साथ ऐसे ताने बाने में बुनी हुई है कि महादेवी वर्मा जहाँ जहाँ पे जाते हैं भक्तिन उनके आगे पीछे चलती रहती हैं उनका साया बनके। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन की बेटी दामाद उसकी नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत के वीरता के स्थान पे पलायन वृत्ति जगा देती थी तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनित मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में किले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदला बनवाकर और उस पर अपनी कंबल बिछाकर मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई इनियों में सजो कर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी।
अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देश में जब उस समय की बात है तो महादेवी वर्मा ने बताया कि देश में शायद युद्ध की स्थिति हुई होगी। युद्ध की स्थिति हुई होगी उस समय लोग बहुत ही डरे हुए होंगे। यहाँ वहाँ जैसे लोग अपने गाँवों को शहरों को छोड़कर किसी और जगह पे स्थानांतरित होते थे और अपने जीविका चलाने के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन युद्ध की स्थिति हो गई तो वापस सब अपने घर की ओर जाने लगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति है कि युद्ध की स्थिति थी तो यहाँ पे भक्तिन की जो बेटी थी उसके दामाद और उसके नातिया जो थी वो क्या भक्तिन को बुलाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि देश में ऐसा माहौल थोड़ा डरावना बन गया है तो वो चाहते हैं कि भक्तिन उनके साथ रहे। लेकिन भक्तिन महादेवी वर्मा को छोड़ जाना नहीं चाहती थी और भक्तिन अपनी बेटी के साथ तभी रह सकती थी जब महादेवी वर्मा को वो छोड़कर जाती, और ये संभव था ही नहीं। एक बार ऐसा होता है कि जब ये युद्ध की स्थिति और ज़्यादा तंग हो जाती है और ज़्यादा ये स्थिति पलायन वृत्ति जो है वो लोग सब अपना घर छोड़कर ये दूसरी जगह स्थानांतरण करने लगते हैं, तो महादेवी वर्मा ने उस समय महादेवी वर्मा के साथ रहते हुए भक्तिन कहती है महादेवी वर्मा को कि आप भी मेरे साथ मेरे गाँव चलिए, मैं आपकी ये जितनी भी आपकी सुविधाएँ हैं मैं वहाँ पर उपलब्ध करवा दूँगी। कौन कौन सी, जैसे कि उनके लकड़ी के मचान पर उनकी जो धोतियाँ वो बिछा के रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर वो तख्त मतलब उनकी किताबें सजा के रख देगी, धान के पुआल का गोदला बनाकर उसके ऊपर मतलब उनके सोने की व्यवस्था वो बना देगी, उनके रंग और स्याही हैं उनका वो अच्छे से वो सजा कर रखेगी, कागज़ पत्रों को वो छीके के ऊपर यथाविधि एकत्र करके रखेगी। तो इस तरह से वो महादेवी वर्मा को भक्तिन कहती है कि पलायन वृत्ति हो रही है, देश में स्थिति ऐसी है, तो आप भी मेरे साथ गाँव चलिए, आप कोई भी चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके जो भी आपकी व्यवस्था है वो किसी न किसी प्रकार से यथाविधि पूर्ण कर लूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपए नहीं हैं, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कानों के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई को कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब तक ठीक हो जाएगी तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भरने में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। अब होता है बच्चों इस परिच्छेद में ऐसा कि ये जो भक्तिन है, ये भक्तिन की बातों को सुनकर के आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, यहाँ पे युद्ध की स्थिति बहुत ही मतलब ख़राब हो गई है तो हम गांव में जाकर रहते हैं, थोड़े दिन वहाँ पे रहेंगे, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी रहने की सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा दूँगी। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं था कि सच में महादेवी वर्मा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन भक्तिन गांव जाने की हट ना करे, जिद ना करे और महादेवी वर्मा को साथ ना ले जाए, इसके लिए उन्होंने सिर्फ ऐसी बात की थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे भक्तिन है वो बड़ी चतुर है, उसने क्या किया, वो धीरे से महादेवी वर्मा, जैसे कि हम लोग नहीं कुछ गुप्त बातें करनी होती है तो कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे के कान में कहते हैं बातें, याद है ना बच्चों, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो भक्तिन है वो धीरे से आकर महादेवी वर्मा के कानों में कहती है कि आप चिंता ना करें, मेरे पास इतने इतने रुपए हैं, जैसे कि 5 बीसी और 5 रुपए गड़ा, मतलब यहाँ पे मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि हम गांव जाकर रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही भक्तिन ने ये कहा, महादेवी वर्मा चौंक गए कि यहाँ पे पैसों की कमी का प्रश्न नहीं है, गाँव में जाकर ये पैसे कितने दिन काम आते, ऐसा महादेवी वर्मा सोचते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा को आश्चर्य इसका होता है कि भक्तिन मतलब इतना यहाँ तक सोचती है कि
किस प्रकार से वो महादेवी वर्मा सोच में पड़ जाते हैं कि भक्तिन के प्रस्ताव को कैसे ठुकराया जा सके। भक्तिन जैसी इतनी मतलब गांव में रहने वाली औरत भी अगर इस तरह से मतलब अपने मालिक के प्रति इतनी उदारता दिखाती है तो आज के ज़माने में ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसा। तो यहाँ पे इस परी पाठ के भीतर बच्चों ये भक्तिन का जो पात्र है वो बहुत ही निराला है कि ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे एक भक्तिन से हमें थोड़ी सी ये बात बचत करने की बात जो है वो भी सीखने को मिलती है कि बचत तो इंसान चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या गांव में रहने वाला कोई कम पढ़ा लिखा इंसान या नहीं पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन फिर भी बचत की योजना किस प्रकार से की जाती है ये भक्तिन के माध्यम से होता है। और भक्तिन की उदारता देखिए, मालिक सेवक की सहायता करता है लेकिन यहाँ पे सेवक मालिक की सहायता करता है और उसको कहता है कि यहाँ पे स्थिति ऐसी है तो हमें यहाँ ना रहते हुए गांव में थोड़े दिन रहना चाहिए और मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम गांव पहुँच सके ऐसा। तो यहाँ पे भक्तिन का पात्र इस पाठ में बहुत ही निराला है। तो बच्चों यहाँ पे रुकते हैं, आगे वाले वीडियो में हमारा एकाध दो जैसे वीडियो बनेंगे उसके बाद हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।